यहाँ से खोल के हम किलोमीटर को भी लगा देते हैं एम्पियर चेक करने के लिए कि एम्पियर कितना ले रहा है। यहाँ पर न्यूट्रल में हम लगा देते हैं इसको। अब यहाँ पे दिखेगा एम्पियर कितना ले रहा है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वेट कर लेते हैं स्टार्ट होने का। अभी देखिए स्टार्ट हो गया है। अब देखिए इसका गेज की सुई कैसे आगे पीछे जा रही है और एम्पियर कितना ले रहा है इसका। एम्पियर देखिए 30 एम्पियर ले रहा है। देखिए 30 एम्पियर ले रहा है ये। अब इस तरह से है मतलब इसका कैपेसिटर भी कमज़ोर हो सकता है। और देखिए गैस कितना माइनस में जा रहा है और एम्पियर कितना ज़्यादा ले रहा है। अभी कंप्रेसर अभी ट्रिप हो जाएगा हीट होकर के। कैपेसिटर अंदर लगा हुआ है। इतना ज़्यादा एम्पियर ले रहा है मतलब कंप्रेसर या तो कंप्रेसर ख़राब होगा या क्योंकि देखिए ना प्रेशर देखिए कितना कम है 40 का प्रेशर है और एम्पियर 24 का ले रहा 24 एम्पियर है 25 एम्पियर ले करके चल रहा है। अब या तो कैपेसिटर ख़राब है या तो इसका कैपिलरी चोक है तो दोनों में से हम इसे देखेंगे अभी कैपेसिटर चेंज करके। देखिए 25 एम्पियर भी बढ़ रहा है। देखिए 26 एम्पियर हो गया। एम्पियर बढ़ रहा है धीरे धीरे और पहले भी वैसे भी 26 एम्पियर लेके चल रहा है तो कितना देर चलेगा जबकि इसको बस 11-13 एम्पियर तक लेना चाहिए। देखिए प्रेशर तो 60 का है लेकिन एम्पियर बढ़ रहा है। ये लीजिए कंप्रेसर ट्रिप हो गया। अब इसमें यही प्रॉब्लम है या तो कैपिलरी इसका चोक है। देखिए फैन चल रहा है और ये बंद हो गया। पहले हम कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं। कैपेसिटर से नहीं हुआ तो इसका कैपिलरी हम चेंज करेंगे। तो इसे हम बंद करते हैं कैमरे को।